हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्ताफ रियल्टी। सो एवरीवन, आज मैं आपको एक अल्टीमेट प्रॉपर्टी अल्टीमेट प्रोजेक्ट शूट कराने वाला हूँ। ये काफ़ी सुपर लोकेशन पे लोकेटेड है, चेंबूर में। सो अब ये लोकेशन को वैसे तो राज कपूर साहब के बंगलों से फेमस है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लश ग्रीन एरिया है, पीसफुल लोकेशन है, एक अलग इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये प्रोजेक्ट को मैं शॉर्टली अगर डिफाइन करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉम्बे के सेंटर में रह के आप एक हिल स्टेशन वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सो एवरीवन, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये G+32 स्टोरी का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको ऑल टाइप्स की एमिनिटीज मिलती है। आपको कोई क्लब ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इतनी अच्छी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जिमनेजियम, ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे मिलती है। काफ़ी स्टैंडर्ड लिविंग है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। जितने भी टिकट साइज आप देखेंगे यहाँ पे 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है और ये काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने देखा है, ये चेंबूर के अंदर भी जितने भी रिच लोकेशन है बॉम्बे का, जैसा बैंड स्टैंड है, वो पीपल्स भी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पीसफुल शांति की वजह से, जो हिल व्यू है, जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अपने वीडियो को कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सैंपल फ्लैट, एक्चुअल फ्लैट सब दिखाऊंगा, आइए। एवरीवन, मैं आपको अभी फ्लोर एक्सप्लेन करता हूँ। इस साइड में हमारे 2 एलिवेटर्स है, ये 4 BHK है। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये स्टेयर है, ये 5 BHK है, यहाँ पे 2 एलिवेटर्स मिलता है, उसके साइड में आपको स्टेयर मिलता है। पर फ्लोर पे ओनली 2 फ्लैट्स है, 4 एलिवेटर्स है और 2 फ्लैट में 2 स्टेयर्स है। काफ़ी अमेजिंग गाइस। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको डिवाइडेशन करना है, पर फ्लोर का अलग से करना है, तो यहाँ पे आप एक वॉल डाल सकते हैं, 4 BHK अलग के, 5 BHK अलग से हो जाएगा। आपको पर्सनल 2 एलिवेटर्स मिलेंगे और पर्सनल एक स्टेयर भी मिलेगा। तो आइए अभी मैं आपको हमारा जो सैम्पल फ्लैट है 5 BHK का, वो टूर कराता हूँ, आइए गाइस। एवरीवन, 5 BHK हम टूर करेंगे, जिसका कार्पेट है 2677 कार्पेट। ये काफ़ी मैसिव फ्लैट है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया है। 5 BHK विद आपको 6 वॉशरूम्स यहाँ पे मिलते हैं। आस्किंग प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 40,000 पर स्क्वायर फीट का आस्किंग है, प्लस टैक्सेस है। गाइस, आइए मैं आपको हमारा ये ज़बरदस्त एक अल्टीमेट लग्जरियस हमारा फ्लैट मैं आपको टूर कराता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिविंग डाइनिंग का शेप है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इटालियन मार्बल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अराउंड 10 फीट की है, जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा डाइनिंग सेक्शन है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया है, 6 सीटर ऐड किया हुआ है, ज़बरदस्त तरीके का एक शैंडलियर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इटालियन मार्बल्स जो है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपको बता दूँ, ये हमारा सैम्पल फ्लैट है, शो फ्लैट है। अगर आप घर परचेस करेंगे तो आप बेयरशेल परचेस करेंगे। जो भी है क्वेरीज, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम देखते हैं, ये हमारा लिविंग सेक्शंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काउच को ऐड किया है, सोफ़ा ऐड किया हुआ है। अराउंड मैं समझता हूँ 10 to 12 पीपल्स यहाँ पे आराम से सिट कर सकते हैं और सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ बैठने से मुझे पता चल रहा है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक टीवी का पैनल बना हुआ है, टीवी नहीं लगी हुई है अभी तक कोई LED, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा है लिविंग सेक्शंस। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत गाइस, ये जितने भी यहाँ पे काम हुआ है, ये सारा ऐटो सिस्टम पे बना है। जैसे ये कर्टन से उसके बाहर का व्यू मैं आपको बताता हूँ। ओपन द ऑल कर्टन्स, अब आप देखेंगे यहाँ का क्या आपको व्यू मिलता है। गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं, कर्टन्स के बाहर जो व्यू है, यही इसकी मेन स्पेशलिटी है, मेन ब्यूटी है। आपको वैसे फ्लैट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ऐसे अनरेस्ट्रिक्टेड व्यू के साथ में कभी आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। आइए व्यू कराता हूँ, आइए। एवरीवन, जो सबसे खूबसूरत है, जो मेन ब्यूटी है, वो मैं आपको अभी छूर कराता हूँ। सबसे पहले आप ये डेक देख लीजिए, इवनिंग और मॉर्निंग टाइप को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। रेनी सीजन अभी चल रहा है गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी पूरा लश ग्रीन है। अगर जब रेन होता है, जब बरसात होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगता है। मैंने आपको बोला था कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड है। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि ये व्यू आपका कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। अब सामने की साइड में देखेंगे, जितने भी रेड कलर के आपको दिख रहे बिल्डिंग्स, ये जो है BRC की ये कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है। ये जल्दी टूटेगी भी नहीं, और टूटेगी भी तो ये 7 फ्लोर्स के ऊपर बनती है नहीं। तो ये जो सबको हिल आपको व्यू मिलता है, सो एवरीवन, आपको बरसात में लोनावला नहीं जाना है, OT नहीं जाना है, आपके फ्लैट से ही आपको एकदम अल्टीमेट व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये इसकी मेन स्पेशलिटी ये है कि बाहर से भी लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मुझे यहाँ के सेल्स मैनेजर ने बताया कि बांद्रा के लोग, अंधेरी के, बोरीवली साइड के, बाहर के पीपल्स भी यहाँ पे घर परचेस कर रहे इसके वजह से। तो ये काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है। उससे भी ज़्यादा आप नीचे देख सकते हैं, ये भी एक जो लैंड आप देख रहे हैं, अराउंड नेटिव ट्रीज है ये पूरे, और ये इस बिल्डिंग के अंदर के ही है। तो यहाँ पे गार्डन्स टाइप का कुछ बनेगा,
और पूरा दिन आप देखेंगे ना, बाहर का ट्रैफिक का शोर नहीं आएगा आपको, ये बर्ड्स की जो खिलखिलाहट है वो आपको पूरे दिन सुनने को मिलेगी, है ना मज़ेदार। तो यही इसकी मेन स्पेशलिटी है गाइस, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए अभी मैं आपको बेडरूम और किचन हमारा कवर करता हूँ। आइए एवरीवन बेडरूम कवर करते हैं। उसके पहले मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, सेकंड बेडरूम, ये आपका किचन, देन बैक साइड में 3 bedrooms, 1, 2 and 3, टोटल 5 bedrooms आपको यहाँ पे मिलते हैं। आइए सबसे फर्स्ट जो हमारा बेडरूम है इस साइड का, वो हम कवर कर लेते हैं। फ्लोर टू सीलिंग हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी फ्लैट में जो है काफ़ी स्पेस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट आपको मिलता है। अब जैसे कि देख सकते हैं गाइस, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है किड्स बेडरूम की तरह, जैसी आपकी नीड होती है वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। गेस्ट रूम बनाना हो और भी कोई नीड हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस आपको मिलता है, इनफ स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टीवी पैनल, जैसा आपको जो भी चीज़ें ऐड करना है वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। स्पेस बहुत है तो कोई कमी नहीं है स्पेस की आपको। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इन्होंने सेल्फ बना के सारे डिज़ाइंस किया है, बेड को कितना सुपर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी स्वीट तरीके से बनाया है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ से बाहर आपको एक ज़बरदस्त व्यू मिलता है फ्रेंच विंडो के साथ में। आइए अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एवरीवन ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको फिटिंग्स यहाँ पे मिल रही है। मैंने आपको बताया कि जितने भी फ्लैट्स हैं आपको बेसशेल मिलेंगे, फिटिंग्स इनकी काफ़ी प्रीमियम है, एकदम अल्ट्रा प्रीमियम है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए गाइस अभी हम जाते हैं हमारे किचन की तरफ। आइए ये हमारा किचन, जैसे आप इंटर किए वो आपका बैक साइड से इंटर किए, फर्स्ट बेडरूम, देन ये हमारा किचन। किचन ओपन फॉर्मेट है, अगर आप चाहो तो इसको कवर्ड कर सकते जैसी आपकी नीड हो। ओपन फॉर्मेट मतलब दिखता है किचन पूरी तरीके से। गाइस देख सकते हैं किचन को कैसा बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है ऑलरेडी, कितना स्पेशियस है। सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर चीज़ आ जाती है। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में आपको सारे यहाँ पे कैबिनेट्स दिए हुए हैं, इनफ कैबिनेट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग और भी ऊपर कैबिनेट्स ऐड कर सकते हैं। बेयरशेल इसीलिए फ्लैट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। और जितने भी जो वॉल्स है ब्रेकेबल है, 75-80% ब्रेकेबल है। इसका मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि मेरे को ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम करना है, या ये कम है इसको ज़्यादा करना है, मेरे को 5 BHK की नीड नहीं है, इतने स्पेस में मेरे को 3 BHK बनाना है, जैसे भी आपकी नीड हो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से सारे जो है मॉडर्न फिटिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। स्पेस देख लो गाइस, कितना अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे किचन के अंदर मिलता है। आइए और भी स्पेशल चीज़ है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो आपको रखना है, जैसे यूज़ करना है कर सकते हैं। बाहर आपको एक यूटिलिटी एरिया मिलता है, एक्स्ट्रा स्पेस है, और यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। ये अटैच वॉशरूम थोड़ा कॉम्पैक्ट है, सर्वेंट के हिसाब से बना हुआ है, ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पर, तो जो सर्वेंट है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग बाहर नहीं जाना पड़े या कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए अंदर ही आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आइए गाइस सेकंड बेडरूम देखते हैं। लिविंग एरिया इसका बहुत ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाइब जो है ना एकदम रिचनेस है, बहुत रिच है ये। आइए ये सेकेंड बेडरूम, इंडो गेम्स के हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है। म्यूज़िक रूम, जैसा जैसा आपकी नीड हो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बॉटम की साइड में आपको वुडन की यहाँ पे फ्लोरिंग ऐड की हुई है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है। वॉलपेपर इन्होंने काफ़ी अच्छे यूज़ किए यहाँ पे, ये सारे वॉलपेपर्स है और ये सारे कोरियन मटेरियल है, काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा आपको। आइए अटैच वॉशरूम भी एक बार देख लेते हैं गाइस। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अटैच वॉशरूम, इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है। शावर एरिया डेडिकेटेड अलग हो गया है, काफ़ी अच्छा है। सेकेंड बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, मैं स्पेशियस वर्ड को इतने बार यूज़ कर रहा हूँ, और रियली ये काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे 5 BHK मिलता है। आइए एवरीवन आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने देखा हमारा लिविंग डाइनिंग सेक्शन, किचन देखा, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम देखा, आइए थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। थर्ड बेडरूम के पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका डाइनिंग सेक्शन वहाँ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हो, वो स्पेस तो आपका अल्टीमेट ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा प्लांटेशन कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। थर्ड बेडरूम की तरफ मूव करते हैं गाइस। इनका जो कॉम्बिनेशन है मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बेडरूम्स की ज़रूरत नहीं है, इसको इंडोर गेम की तरह ही बनाए। चेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप चेस को इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इस तरीके से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आपको ज़रूरत है कि बेडरूम ही बनाना है तो बेडरूम बनाओ। तो आइए एवरीवन मास्टर बेडरूम हम टूर करते हैं, जिसका मुझे इंतज़ार था, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कितना स्पेशियस बनाया इन्होंने।
अल्टीमेट लग्जरी, काफ़ी सुपर स्पेशियस है, मैसिव है, काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया है। एक ज़बरदस्त आपको एक ह्यूज विंडो भी इस साइड में मिलती है। यहाँ पे मैं स्पेस का किधर से भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेशियस इसको बनाया है। किंग साइज की यहाँ पे बेड लगी हुई है, शैंडलियर को ऐड किया हुआ है, सारा कॉम्बिनेशंस के साथ में बनाया हुआ। बैक साइड में आपका ये वुडन का वर्क है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ कि स्पेस आपको यहाँ पे कितना मिलता है वो आप देख लो। मास्टर बेडरूम में स्पेस गाइस आपको काफ़ी इनफ मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिटिंग का अरेंजमेंट किया है, वाइन रखी हुई है। यहाँ पे आपका वार्डरोब्स आ जाता है, जैसे आपकी नीड होती है वार्डरोब को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारा ब्रेकेबल है, आपको जैसा आपको नीड हो, आपको बेयरशेल फ्लैट मिलता है जैसे आपको नीड है उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से इन्होंने बनाया है। 10 फीट की आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिलती है, तो काफ़ी मैसिव है। आइए एवरीवन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका छोटा सा एक ड्रेसिंग एरिया हम बना सकते हैं इसको। अभी हम इंटर कर रहे हैं हमारे अटैच्ड वॉशरूम में। देख सकते हैं गाइस कितना स्पेशियस है, रियली जितने भी बेडरूम थे सबसे ज़्यादा ये स्पेशियस है। सारा वेस्टर्न का स्टाइल आपको यहाँ पे फिटिंग्स मिलता है, इनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है पेस्टल कलर्स में, लाइट कलर में, ये काफ़ी उठाव है इसके अंदर काफ़ी। सो एवरीवन अभी मैं आपको टेरेस पे लेकर आया हूँ और यहाँ से मैं आपको पूरा मुंबई का टूर कराने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से अपने हमने टूर स्टार्ट किया था। ये देखिए आपका पूरा ग्रीन व्यू आपको मिलेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड आपका व्यू है। सी का व्यू, वासी, नेरुल सब दिखता है यहाँ से, मलाड, गोरेगांव, इवन बीकेसी, साउथ बॉम्बे, एकदम क्लियर व्यू आपको यहाँ से गाइस मिलता है। अभी थोड़ा फॉगी सीजन है, फॉगी टाइम है, इवनिंग का टाइम है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। अब सनी थोड़ा सा दोपहर के टाइम में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर पूरा बॉम्बे का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम टेरेस पर हैं फिलहाल, यहाँ पर भी एक टेरेस गार्डन बनने वाला है, एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी होगा पूरे चेंबूर में, ऐसा कहीं नहीं होगा। और ये आपके लिए एक स्पेशल है कि यहाँ से आप ज़बरदस्त व्यू को एंजॉय कर सकते हैं।